ये हुआ कि मसाले वाली सरकार ने, मसाला छिड़कने वाली सरकार ने 3 MPs को कहा कि बड़ी बीवी यानी मरियम साहब आपसे बात करना चाहती है, तो उनके बारे में ये था कि ये शायद जो है टिकट वापस कर रहे हैं नून लीग के। ठीक है, वो तीनों बल्कि 5 लोग उस वक्त एक जगह पे बैठ के इफ्तारी कर रहे थे, तो उनमें से पहले तो एक ने तो फोन ही नहीं सुना, इनको पता चल गया कि वो तीनों इकट्ठे बैठे हैं, तो फिर दूसरे को फोन किया गया, उन्होंने भी फोन नहीं सुना, तीसरे ने फोन सुन के कहा कि मैं थोड़ी देर के बाद रिंग बैक करता हूं। ये वो लोग थे जो मरियम बीबी का फोन सुन के फोन की पहली बेल पे खड़े हो जाया करते थे, तो आज उन्होंने कहा कि मैं फोन नहीं करता। उसके बाद उन्होंने कहा थोड़ी देर के आधे पौने घंटे के बाद फोन किया, उन्होंने कहा कि आपको ऐसा कि मरियम बीबी ने कहा जी मैंने नमाज पढ़ रहा था, तो नमाज ज्यादा जरूरी थी कि मरियम साहबा का फोन ज्यादा जरूरी था, तो मसाले वाली सरकार इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने कहा कि मरियम का फोन ज्यादा जरूरी था, और बदकिस्मती ये कि वो फोन जो कॉल थी वो रिकॉर्ड हो रही थी। अब जब फोन कॉल रिकॉर्ड हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जनाबे अली कि ये आपने फरमाया है तो अगर मैं ये मीडिया में जारी कर दूं तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। उस फोन कॉल से पहले ये जुमला भी हो चुका था, पैसों का जब जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि आपको 5-5 करोड़ रुपए से ज्यादा पार्टी फंड ऑफर किया जा चुका है और आपको क्या चाहिए, तो उन्हीं साहब ने कहा कि जी 5 करोड़ छोड़ें, हम 3 बंदे बैठे हैं, हम 15-15 करोड़ रुपया आपको देते हैं, आप किसी और को टिकट देते हो। यानी आलम, और ये मैं पूरी संजीदगी के साथ आपको